गत दिनों चंडीगढ़ में संपन्न हुई सीबीएसई क्लस्टर 18 एथलेटिक मीट में डीएवी हमीरपुर स्कूल के खिलाड़ियों ने अपनी धाक जमाते हुए 5 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया है। एथलेटिक मीट में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और चंडीगढ़ जोन के सीबीएसई के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डीएवी स्कूल के खिलाड़ी आकांक्षा ठाकुर, श्रेया लगवाल, बबीता ठाकुर, शिपाली ने पदक जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया है। डीएवी स्कूल प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने मेधावी खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। वहीं 3 छात्राएं राष्ट्रीय खेलों के लिए भी चयनित हुई हैं, जिससे पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक और 3 ब्रॉन्ज पदक हासिल किए हैं। खिलाड़ी आकांक्षा ठाकुर ने अंडर 19 में लड़कियों के वर्ग में 400 मीटर में गोल्ड मेडल, श्रेया लगवाल ने 3000 मीटर और 800 मीटर में गोल्ड मेडल, बबीता ठाकुर ने अंडर 14 में 100 मीटर में गोल्ड मेडल और शिपाली ने अंडर 17 वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया है। खिलाड़ियों ने बताया कि एथलेटिक्स मीट में अच्छा प्रदर्शन रहा और प्रतियोगिता में एथलेटिक कोच के द्वारा तैयारी करवाई गई थी, जिस कारण बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि गोल्ड जीतने के बाद अब राष्ट्रीय खेलों के लिए भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, ताकि अच्छे परिणाम आ सके। मेरा नाम शुभम है, मैं 11th कक्षा में पढ़ता हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में। अभी हमारे यहाँ पे एथलेटिक्स मीट हुई थी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, गवर्नमेंट एथलेटिक्स मीट, तो उसमें हमने बहुत अच्छा प्रदर्शित किया। वहाँ की स्कूल की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अंडर 19 में सभी ने भाग लिया और उसमें से हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे मेडल लिए और मैंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल लिया है और मेरी सिलेक्शन हो गई है स्टेट लेवल, स्टेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए। और अभी हम स्टेट के बाद सीबीएसई के लिए तभी चले गए थे, वहाँ पे हमारा टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा हुआ। एसडी पब्लिक स्कूल सेक्टर 32 पंडित मोहनलाल एसडी पब्लिक स्कूल में हमारा टूर्नामेंट था, वहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा था। अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17 में बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया था, उसमें भी हम मेरा 400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया है और टाइमिंग मेरी 55 थी। और यहाँ 12वीं कक्षा में हम एथलेटिक के टूर्नामेंट के लिए गए थे। हम यहाँ सुबह 5:30 से लेकर 7:30 तक प्रैक्टिस एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक पे प्रैक्टिस करते हैं। हमारे कोच तरपिस ठाकुर सर हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। और हम पहले हमीरपुर में टूर्नामेंट लगा के गए थे, गवर्नमेंट स्कूल्स के टूर्नामेंट्स, उसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शित किया। उसमें मैंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता, उसमें काफ़ी अच्छी टाइमिंग देके उसी के अगले दिन जब यहाँ पे टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, हम चंडीगढ़ टूर्नामेंट खेलने चले गए, सीबीएसई टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट पंडित मोहनलाल एसजी पब्लिक स्कूल सेक्टर 32 सी में हुआ, हमने वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शित किया। वहाँ पे अलग अलग अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, इनके अंडर 19 कैटेगरीज में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शित किया, जिसमें कि मैंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल और 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लिया। मैं सीबीएसई के टूर्नामेंट खेलने चंडीगढ़ गई थी, वहाँ पे मैं 800 और 3000 मीटर में गोल्ड जीता और आगे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई। और मैं आगे के लिए बहुत प्रैक्टिस करूँगी ताकि आगे भी मेरे रिजल्ट अच्छे हैं। हम यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, हमें प्रैक्टिस तरपिसर करवाते हैं। मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ अनु के ग्राउंड में, मेरे कोच तरपिस ठाकुर हैं। और मैंने अभी इस साल सीबीएसई क्लस्टर 18 गई थी चंडीगढ़ खेलने, उसमें मैंने अंडर 1400 200 में गोल्ड जीता और फास्टेस्ट गर्ल का अवार्ड मिला मुझे। और मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ कर्नाटका के लिए, और मैं इस नेशनल के लिए और तैयारी करूँगी ताकि मैं नेशनल में भी 100-200 में बेस्ट लीड की ट्रॉफी लाऊं। और मेरा और मेरे कोच का सपना है कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड लाऊं। डीएवी स्कूल प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने मेधावी खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डीएवी स्कूल के छात्रों ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये छात्र राष्ट्रीय खेलों में भी नाम कमाएंगे। इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द डीएवियंस, स्पेशली डीएवी हमीरपुर, द एंटायर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेट द विनर्स।
who got medals and trophies in the Himachal sports meet, and equally well done by the kids in CBSE sports. We are extremely elated at the performance of the students who got the medals. Babita Thakur, जिन्होंने बेस्ट एथलीट का अवार्ड लिया CBSE स्पोर्ट्स में, और हमें हमारे स्कूल को सभी को बहुत बहुत खुशी दी है इस मौके पर सभी अध्यापक वर्ग की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से बबीता और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है, और सिर्फ उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है, कि हमारे ये बच्चे, ये हमारे होनहार हमें आगे भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक बहुत नाम दिलाएंगे, केवल हमारे स्कूल को ही नहीं हमारे जिला हमीरपुर का भी नाम रोशन करेंगे। मैं इस मौके पर इनके कोच मिस्टर तरप्रिष्ट, मिस्टर रसील, शालिनी ठाकुर और हमारे हिमाचल बोर्ड के सभी उन प्रशिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी देखरेख में इन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया।